गुड इवनिंग एवरीवन, ये क्लास 5 है और आप लोग जो है लैब कर रहे थे पेज नंबर 35। ओपन कर लीजिए और इंसर्टिंग लाइन ब्रेक से चलते हैं और सेटिंग मार्जिन और जो भी इसके आगे टॉपिक्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू लैब हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और मैं यहाँ पे क्लास 5 लिख देती हूँ ताकि आप लोग जब ये वीडियो ओपन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। क्लास 5 और इसका साइज हम लोग कहाँ करते हैं, इंक्रीज फॉन्ट ग्रुप में, और यहाँ ये रहा लास्ट 72। तो ये रहा क्लास 5। ठीक है, अब जो है आपका इंसर्टिंग लाइन ब्रेक ऑप्शन, ये एक्चुअली में सिंबल वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो हम लोग जो है जब भी कोई लाइन एंड करते हैं या कोई लाइन ख़त्म होता है या फिर वो टाइप लाइन हो ऑलरेडी या फिर आप टाइप करें, तो उसमें क्या होता है, उसका एक सिंबल ओपन होता है। आप उस सिंबल को देख सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप में, और मैं अपने माउस पॉइंटर के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। ये रहा, तो माउस पॉइंटर आप देख रहे हैं यहाँ पे है, और ये जो है वो इसके अंदर शो हाइड के ऑप्शंस है अकॉर्डिंग टू बुक, जैसे बुक में बताया गया है यहाँ पे शो हाइड के ऑप्शंस है। और ये सिंबल जो है चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, आउटलुक हो या एक्सेस हो या इंफॉर्मेशन पाथ हो, तो ये सभी जगह जो है ये सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बेसिकली हम लोग जो है नॉर्मल से बुक कोई भी पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा या नया कुछ चीज़ के बारे में पढ़े या फिर मैगज़ीन पढ़ते हैं आप लोग या फिर कोई पुराना एक नॉवेल पढ़ते हैं, ये सब जानकारी शायद आपको नहीं हो, लेकिन आप जैसे ही सीनियर क्लासेज में जाइएगा तो आपको ये पता चलेगा। तो उन सभी चैप्टर्स में क्या होता है, जहाँ जहाँ लाइन लिखे जाते हैं उन सब सिंबल का, ये सब सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम लोग इसको हटाते हैं और ये क्लास 5 को हटाते हुए, और जानते हैं आप लोग टेक्स्ट हम लोग ऑलरेडी कैसे मंगाते हैं। इंसर्ट होता है रैंड इक्वल टू रैंड और शिफ्ट के साथ 9 और 0, जिससे ब्रैकेट आता है स्मॉल, और इंटर बटन। इससे क्या होता है, ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट, इसके अंदर जो भी टाइप टेक्स्ट है वो आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि जो सिंबल इंसर्ट होगा वो आप लोग को दिखेगा। तो पूरे स्क्रीन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल और ए करते हैं, जिससे पूरा सिलेक्ट हो जाता है। और हम लोग कहाँ जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में, और ये रहा साइज़, और देख लेते हैं 16 जो है वो काफ़ी अच्छा है साइज़ टेक्स्ट का। अब हम लोग चलते हैं कलर की तरफ, तीनों पैराग्राफ का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जो यहाँ स्क्रीन पे चेंजेस होंगे वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये बीच वाले पैराग्राफ का कलर हम लोग आई थिंक कि ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, तीनों बस तीन कलर का हो जाना चाहिए, हो गया। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पे, और इसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और इसका कलर हम लोगों ने चुना कौन सा कलर, चलिए ये मैरून है। और लास्ट पैराग्राफ को हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं इसका कलर, इन तीनों दोनों से अलग आई थिंक ग्रीन, ग्रीन ग्रीन नहीं, येलो नहीं दिखेगा नहीं, और मोर कलर पे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा पिंक। ओके ओके, ये फाइनल। चलिए, तो आपको मैं बता दूं, ऊपर रेड है और सेकेंड वाले पैराग्राफ में ब्लू कलर है और थर्ड वाले पैराग्राफ में पिंक कलर है, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा।
अब चलते हैं हम लोग पैराग्राफ ग्रुप में, और ऑलरेडी हम लोग होम टैब में हैं ही, और इसमें जाना है लाइन ब्रेक ऑप्शन पे, जिससे आप देखिए ये सारे चेंजेस आपके स्क्रीन पे जो है वो अवेलेबल है। आप देख रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में एक सिंबल आया है लाइन ब्रेक का, फिर सेकंड पैराग्राफ में भी है, फिर थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड में कुछ चेंजेस नज़र मिल रहे होंगे आपको, ये पिंक कलर से ही आ चुका है, और लास्ट जो है वो नेक्स्ट है लाइन लिखने के लिए, यहाँ पे वो इंसर्ट हो चुका है। तो बस यही सिंबल इनसे इंसर्ट होता है, लाइन ब्रेक, इंसर्टिंग लाइन ब्रेक आप लोग का ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग मार्जिन। मार्जिन आप लोग समझते होंगे बहुत, जैसे क्लास 4, और ये आपका 5 है, 3, हाँ आई थिंक कि 3 से आप लोग का शुरू हो जाता है मार्जिन, आप लोग देखे होंगे। मार्जिन होता है चौथाई, जैसे आप लोग बुक में कुछ जगह छोड़ के और उसके आगे से लिखते हैं, और कुछ बुक नोटबुक में क्या होता है ऑलरेडी वो जगह जो है वो छोड़ा होता है, तो उसी को हम लोग मार्जिन छोड़ना कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो लिखने का तरीका ही वही है कि पेजेस के साइड में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, ताकि वो जो है वो लिखने का तरीका होता है, तो उसे ही हम लोग मार्जिन कहते हैं। अब मार्जिन हम लोग कंप्यूटर में जब हम लोग कोई चीज़ बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो उसमें हम लोग मार्जिन कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि ये मशीन है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही हमें चलना पड़ता है। तो इसके लिए स्टेप्स हम लोग देखेंगे, और इसमें आप लोग को दिया गया है यूजिंग रूलर बार्स, तो रूलर का इस्तेमाल करके हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें मार्जिन्स छोड़ेंगे यानी स्पेस छोड़ेंगे। फर्स्ट है इसमें पॉइंट, टू चेंज द लेफ्ट और राइट मार्जिन पॉइंट टू द मार्जिन बाउंड्री ऑन द हॉरिजेंटल रूलर, और व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू डबल हेडेड एरो ड्रैग द मार्जिन बाउंड्री एज पर योर नीड। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहली बार बताया गया है कि अगर आपको राइट साइड से मार्जिन छोड़ना है तो बाउंड्री के यानी हॉरिजेंटल रूलर का इस्तेमाल करना होगा, और जैसे ही वहाँ पे हम लोग माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो वो डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा, फिर हम लोग उसके मार्जिन को बदल सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एक होगा सेम यही होगा और वर्टिकल होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा व्यू टैब में, ठीक है। तो पहले हम लोग ये टेक्स्ट को रहने देते हैं, ये भी चलेगा। व्यू टैब में आते हैं, यहाँ पे व्यू टैब लास्ट में है, और यहाँ पे आपको पेज प्रिंट लेआउट व्यू ऑप्शन आपको दिखेगा, और ये रहा प्रिंट लेआउट व्यू। और ये शो ऑप्शन में क्या है, रूलर है, इस पर क्लिक करेंगे रूलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे हम लोग हॉरिजेंटल रूलर कहते हैं, और ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं मेरे फिंगर के साथ, ये इसे हम वर्टिकल रूलर कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल आप लोग अच्छे से समझते हैं, ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, स्पेस छोड़ना है, तो यहाँ पे जो आप बॉक्स एक सिंबल देख रहे हैं उसको लेकर के ऐसे ड्रैग करना है एंड देन छोड़ देना है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या हुआ, उतना मार्जिन वहाँ से खिसक चुका है। अब हम इस पे कर्सर डालते हैं और इसे क्या करते हैं, इस साइड, 1 मिनट, देखिए अब पहला वाला पैराग्राफ इधर हो गया, समझ रहे हैं आप। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं छूटा हुआ, इसे ही ना हम लोग मार्जिन कहते हैं, आपके नोटबुक में चौथाई के रूप में आप लोग बोलते हैं इसे। अब ये तो हॉरिजेंटल आप लोग देख रहे थे, चलिए हम लोग लास्ट वाले पैराग्राफ को भी बदल ही लेते हैं, तीनों को बराबर हम कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें लेफ्ट सॉरी वर्टिकल जो रूलर है उसका इस्तेमाल करना है, कैसे होगा ये,
मिनट, टू चेंज द टॉप और बॉटम मार्जिन पॉइंट टू मार्जिन बाउंड्री ऑन द वर्टिकल रूलर व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू अ डबल हेडेड एरो ड्रैग द मार्जिन बाउंड्री एज रिक्वायर, अपने आवश्यकता के अनुसार इसको ड्रैग करेंगे वहाँ से क्या होगा, ये चेंज होगा। तो ये रहा इधर से एक ये है लेफ्ट मार्जिन और यहाँ पे क्या है राइट मार्जिन है, इधर से आप क्लिक करेंगे तो इधर से भी खसकेगा, ये देखिए चेंज हुआ। चलिए हम लोग सेकेंड को करते हैं, सेकेंड पैराग्राफ, और ये रहा मार्जिन का सिंबल, यहाँ पे डबल हेडेड एरो बना, देख रहे हैं आप लोग डबल हेडेड एरो कैसे चेंज हुआ, देखिए कैसे हुआ। ठीक है, तो ये था आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर, जिससे हम लोग क्या करते हैं, चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, हम लोग मार्जिन्स को यानी खाली स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं कमेंट सेक्शन में जाए और वहाँ पे प्रॉब्लम्स को शेयर करें, अगले दिन उसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में पहले सुन लीजिए आप लोग क्या बताया जा रहा है। सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब, हम लोग को पेज लेआउट टैब सिलेक्ट करना होगा, फिर क्लिक ऑन द मार्जिन्स ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप, और मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और वो मार्जिन ऑप्शन कहाँ मिलेगा, पेज सेटअप ग्रुप में मिलेगा। ओके, फिर अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स, तो एक लिस्ट अपीयर होगा, उसमें क्या करेंगे हम लोग, द नॉर्मल ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट, और उसमें हमें नॉर्मल ऑप्शन को चुनना होगा। सिलेक्ट एनी प्रीडिफाइंड मार्जिन सेटिंग, और उसमें से किसी भी मार्जिन सेटिंग में जितना भी होगा उसमें से हम लोग कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। सिलेक्ट द, या फिर आप सिलेक्ट द कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे मार्जिन के ऑप्शंस अपीयर होंगे आपके स्क्रीन पे। उसके बाद द स्पेस सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिसे हमें बदलना होगा, या फिर हम अपने आवश्यकता के अनुसार उस बॉक्सेस में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पेज लेआउट टैब। ओके, ये व्यू टैब आप लोगों को पहले शायद दिखा था या नहीं, दिखना ज़रूरी है। ओह माय गॉड, आई थिंक हाँ, अब ये सेटिंग करने में ना, ठीक है अब दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल, रूलर हटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये है पेज लेआउट टैब थर्ड नंबर में, और इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को मार्जिन सेट करना है। ठीक है, जैसे ऊपर में अभी किए थे, और पेज सेटअप ग्रुप आप लोग को यहाँ पे दिखा, ये पेज यहाँ पे है पेज सेटअप, और इसमें हम लोग को क्लिक करना है मार्जिन ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी मार्जिन सेलेक्ट कीजिएगा वो उस प्रकार का आपका जो है पेज बन जाएगा, और अगर ज़्यादा चाहिए तो नीचे, सबसे नीचे दिया गया है कस्टम मार्जिन्स, उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके जो भी लिस्ट है बॉक्स है वो अपीयर होंगे। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए इसे सिलेक्ट करते हैं, देख रहे हैं आप लोग चेंजेस, ये चारों तरफ से चौथाई को यानी मार्जिन को छोड़ रहा है। आपको चेंजेस मैं बताती जा रही हूँ। नैरो, देखिए ये नॉर्मल था नैरो, आपको थोड़ा थोड़ा चेंज पता चलेगा। उसके बाद है मॉडरेट, ये मॉडरेट मार्जिन है, ये वाइड मार्जिन है, टेक्स्ट कुछ नीचे होगा, स्क्रॉल बार से हम देख सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग,
ठीक है। उसके बाद मिरर्ड, फिर क्या है ऑप्शन, ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। देखिए तो ये इस प्रकार से हम लोग जो है चेंजेस लाते हैं। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, जैसा था वैसा। समझ गए आप लोग? अब कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सबसे नीचे ये ऑप्शन रहा। देखिए आप प्रोटेक्ट कीजिएगा तो प्रोटेक्ट होगा, लैंडस्केप कीजिएगा तो लैंडस्केप होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, टॉप बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसा आपको लिस्ट में अभी बताया गया, जैसा मैं चेंजेस आप लोग को ला कर के बताई, तो उस चेंजेस में आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जो अवेलेबल है, जो फिक्स्ड है, उसको आप लोग डाल सकते हैं। उसी रूप में आपका बनेगा पेज और जो टेक्स्ट होगा। लेकिन आपको उसमें से भी आपके मनपसंद का अगर जो एडजस्ट है, टेक्स्ट को एडजस्ट करने का जो है मार्जिन है, वो अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप मार्जिन जो है अपने इच्छा के अनुसार अगर आप सेट करना चाहते हैं, जैसे आपको फिट बैठे उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप लोग पेज सेटअप ग्रुप में ऑप्शन लेकर के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है टॉप लेफ्ट गटर, बॉटम राइट गटर, ऑपोजिशन, ये सारे जो है ऑप्शन दिए रहते हैं, ताकि आप इससे क्या कर सके, साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करके अपने अकॉर्डिंग जो है क्या मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें हैं, इसको करके सेट करके ओके करके आप डाल सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि अभी ये आपका टेक्स्ट प्रोटेक्ट है, अब लैंडस्केप देखिएगा, ठीक है, ओके कर रहे हैं। अब देखिएगा ये हो गया आपका लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब फैल जाता है, ये पूरा मतलब ज़मीन पे फैला हुआ जो चीज़ होता है वो फैल जाता है। और जैसे ही प्रोटेक्ट कीजिएगा तो वो सीधा खड़ा हो जाएगा, ठीक ना। ये दोनों चेंजेस है, जैसे ही लैंडस्केप कीजिएगा, टेक्स्ट का जो है वो क्या बोलते हैं, उसका विड्थ, चौड़ाई जो है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्रोटेक्ट कीजिएगा, उसका लंबाई जो है, लेंथ उसका काफ़ी, हाइट जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने लैंडस्केप किया था, और चलिए प्रोटेक्ट करके मैं बता देती हूँ। प्रोटेक्ट, ठीक है, अब देखिएगा इसका जो है हाइट बढ़ेगा, यानी लेंथ, देखिए जो कि आपके स्क्रीन पे पहले था। तो आप ये चेंजेस कर सकते हैं, आप लंबा कर सकते हैं, उसको फैला भी सकते हैं, प्रोटेक्ट और लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें और भी ऑप्शन है, जिससे आपको पहले मैं समझा रही थी कि लेफ़्ट राइट लेकर के आप इसमें कर सकते हैं। जैसे टॉप से अगर 0.5 इंच हम जगह छोड़े, चलिए इसको बढ़ाते हैं, टॉप में कर देते हैं 0.7 इंच, लेफ्ट बढ़ा देते हैं, ये भी 0.7 इंच है, और या फिर हम लोग एक साइज़ ऐसा लेते हैं जो कि दिखे, तो टॉप में हम घटा के कर दिए, चलिए ठीक है 7 ही ठीक लेते हैं, 0.8 ले लिए, ठीक है, और लेफ्ट भी 8, सबको 8 8 करके देख लेते हैं चेंजेस। बस इसमें बदलाव देख लेना है, अकॉर्डिंग टू चॉइस आप इसमें खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब बॉटम में क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं 0.8, और ये भी 0.8, ठीक है, और चलिए लैंडस्केप कर लेते हैं और ओके करते हैं। देखिए ये मार्जिन देख रहे हैं, लैंडस्केप देख रहे हैं, ये इसमें बदलाव आया। तो इसमें क्या है, इच्छा के अनुसार आप लोग सेट कर सकते हैं। तो पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल आप लोग देखिए, कैसे हम लोग जो है बॉक्स को अपीयर करके, पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ऑप्शन का इस्तेमाल करके, हम अपने जो ऑलरेडी फिक्स्ड जो मार्जिन है उसको छोड़ करके, अगर आपकी अपनी आवश्यकता जैसी लगती है कि नहीं लेफ़्ट से इतना इंच होना चाहिए मार्जिन, राइट से कुछ इंच होना चाहिए टॉप में बॉटम में, तो अपनी इच्छा के अनुसार सेट करने के लिए हम लोग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं।
वैसे बहुत सारे मार्जिन्स जो है वो ऑलरेडी उसमें फिक्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने इस लिस्ट में देखा, जैसे ये वाला, ये सारे ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। और इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसमें से चुन सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों ने दो तीन टॉपिक देखा, जिसमें आप लोगों ने देखा इंसर्टिंग लाइन ब्रेक, जिसमें बेसिकली सिंबल अपीयर होते हैं, सेटिंग मार्जिन में देखा कि रूलर के द्वारा हम लोग मार्जिन कैसे सेट किए लेफ्ट राइट, और उसके बाद आप देखे कि पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल करके अभी अभी जो आप ये सारा लैब किए हैं तो इसका मार्जिन हम लोग कैसे सेट करते हैं। तो आज आपका तीन टॉपिक फिनिश हुआ है, और नेक्स्ट डे आप लोग देखेंगे पेज नंबर 36 और 37 जो है, अच्छे से आप लोग जो है इसको रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे आप लोग जो है ऑप्शन करेंगे सेटिंग पेज ओरिएंटेशन और सेटिंग पेज पेपर साइज़ और प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो ये सारे ऑप्शंस करवाए जाएंगे, प्रिंट का पूरा समझा दिया जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट का तो वो है नहीं प्रिंटर जो प्रिंट करके दिखाया जाएगा, ठीक है, लेकिन सब कुछ करवा दिया जाएगा। और एट लास्ट जो होता है, लास्ट में जो चीज़ें होती है जैसे प्रिंट करना होता है, वो चीज़ जो है वहाँ पर रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सेटिंग पेज ओरिएंटेशन, सेटिंग पेपर साइज, इस दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है, और प्रिंट वाला ऑप्शन जो है काफ़ी इजी है, आप उसको देख के समझ जाएंगे, और लास्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूंगी कि कैसे प्रिंटर अटैच होता है, प्रिंट पे क्लिक करने से क्या होता है, वो प्रिंट हो जाता है, लेकिन डायरेक्टली हम प्रिंट नहीं करते, उसमें भी पेपर का साइज़ वगैरह और कितना पेपर प्रिंट करना है ये सारा ऑप्शन हम लोग को देखना पड़ता है, तब जाके प्रिंट होता है। उसके सारे सेटिंग को समझा दिया जाएगा, और लास्ट में जो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट किया जाता है वो भी बता दिया जाएगा, लेकिन आप लोग को दिखाया नहीं जाएगा कि प्रिंट हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में नहीं आया हो कोई टॉपिक तो जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं वहाँ पे आप लोग जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं।